आप हमें ये बताएं कि व्रत में क्या खाना पीना चाहिए। बॉडी की नेचर को समझना है, फिर उसी के अकॉर्डिंग डाइट लेनी है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी सामने आए वही खाते चले जा रहे हैं। कई लोगों ने अपने रूल बना रखे, ये खाना है और ये नहीं खाना है। ये हमें अपनी हेल्थ के अकॉर्डिंग चीजें चूज करनी चाहिए। तो पूजा पाठ से ये इसलिए जुड़े थे, और एक आत्मिक शक्ति भी जुड़ जाती है जो अंदर से इंसान को मोटिवेट करती है कि आप फास्ट कर सकते हैं। तो आप घर में ही 3 दिन में अपनी डाइट कंट्रोल करके अपने आप को ठीक कर सकते हैं। थोड़ा सा बेसिक अपने बॉडी के बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं डॉक्टर सुजाता आर्य जी से, जो कि फरीदाबाद में है। डॉक्टर सुजाता आर्य, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार वंदना जी। डॉक्टर सुजाता, नवरात्रि चल रही है, ऐसे में क्या खाना पीना चाहिए, क्या नहीं खाना पीना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कई लोग तो कुछ भी खा लेते हैं और तला भुना तो बहुत ज्यादा खाते हैं, तो आप हमें ये बताएं कि व्रत में क्या खाना पीना चाहिए और उसे किस तरीके से खाना पीना चाहिए, कितने अंतराल पे खाना पीना चाहिए। देखिए, जो हमारे पुराने ऋषि मुनि थे वो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। जैसे ही मौसम चेंज होता है, नवरात्रे आते हैं, तो जो 6 महीने में हमने खाया होता है वो 9 दिन में हमें फास्ट करके उसे कंपनसेट करना होता है। तो हमारे ये नवरात्रे हमारी पावर को बढ़ाने के लिए आते हैं, शारीरिक और मानसिक। तो इसे पूजा पाठ से इसलिए जोड़ दिया है जिससे इंसान रह पाता है। अगर किसी को कहें कि आपको फ्रूट जूस पर रहना है तो वो नहीं रह पाता। जब उससे कहते हैं कि पाप चढ़ेगा या माता रानी नाराज हो जाएगी तो वो रह पाता है। तो पूजा पाठ से ये इसलिए जुड़े थे, और एक आत्मिक शक्ति भी जुड़ जाती है जो अंदर से इंसान को मोटिवेट करती है कि आप फास्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी होते हैं। हमारा ब्लड चेंज होता है तो उसके लिए हमें इनकी जरूरत होती है कि बॉडी बहुत तेजी से रिएक्ट करती है। ब्लड प्यूरिफाई इन दिनों में होता है, तो उसके लिए हमें इन नवरात्रों में क्या खाना है वो चीज समझनी बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले तो हमें मॉर्निंग में ऐसी चीजें, देखिए कुछ भी, कई लोग कहते हैं हम फास्ट का सामान लेने गए हैं, तो आप किसे बेवकूफ बना रहे हैं। अगर फास्ट का सामान की जरूरत क्या है, आप फ्रूट जूसेस ये लीजिए, व्रत का सामान का तरह तरह के कुट्टू के, सिंघाड़े के, क्या क्या चीजें खाते हैं, तो हमें उस चीज पे अवेयर रहना है। तो हमें मेन तो होना चाहिए फोकस कि हमारी बॉडी ठीक हो, तो उसके लिए हमें खाना है। तो कई लोग तला भुना फ्राइड ज्यादा चीजें खाने लगते हैं, तो उसके लिए मैं यही बताती हूँ कि नेचुरोपैथी के अकॉर्डिंग नवरात्रे बहुत अच्छे होते हैं। जिन लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं वो अपनी प्रॉब्लम्स घर बैठे ठीक कर सकते हैं खाली फास्ट करके। तो ब्रेकफास्ट में आप जूसेस लीजिए, किसी भी चीज का जूस ले सकते हैं आप। जिनको वेट कम करना है वो लोग पेठे का जूस ले सकते हैं, खीरा टमाटर का जूस ले सकते हैं जो शुगर वाले हैं, मौसमी और अनार का जूस ले सकते हैं जिनको थोड़ी ताकत चाहिए। फिर लंच में आप सब्जी ले सकते हैं, बॉइल्ड सब्जी, कोई घिया की, तोरी की, टमाटर की। कई लोगों ने अपने रूल बना रखे हैं, ये किसी शास्त्र में नहीं लिखा कि ये खाना है और ये नहीं खाना। ये हमें अपनी हेल्थ के अकॉर्डिंग चीजें चूज करनी चाहिए। जो चीजें हमारी हेल्थ को ठीक रहे तो वो चीजें चूज करनी है। ऐसे ही लंच में आपको खूब सारी घिया की सब्जी ले सकते हैं, सलाद ले सकते हैं, एक कटोरी दही ले सकते हैं। फिर 4 बजे के करीब आप जूस फिर से रिपीट कर सकते हैं, कोई भी जैसी जिसको प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग आप जूस ले सकते हैं। डिनर में आप दूध और एप्पल का यूज करिए, ज्यादा से ज्यादा 2-3 एप्पल खाइए, 1 गिलास दूध पीजिए। तो ये हमारा सफिशियंट आहार होता है। इसमें ना खाने की, एक लेडीज को रेस्ट भी मिल जाता है, कुकिंग भी ज्यादा नहीं करनी पड़ती। कई लोग तो कहते हैं हम तो फास्ट में ज्यादा बिजी हो जाते हैं, तरह तरह का खाना तलना भुनना और चीजें स्टार्ट कर देते हैं। तो हमारी बॉडी के लिए बहुत बढ़िया सीजन होता है। खूब आसन प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए, फास्टिंग करिए, जिससे कि हमारा ब्लड प्यूरिफाई हो जाए। क्या इस टाइम में शरीर के जो टॉक्सिन्स होते हैं वो बाहर निकलते हैं? बहुत तेजी से, जैसे ही मौसम चेंज होता है तो या तो कफ कोल्ड होगा, फीवर होगा, हमारी बॉडी रिएक्ट करके उन टॉक्सिन्स को निकालना चाहती है। लूज मोशन हो जाते हैं, कफ कोल्ड अगर हो जाता है तो ये बहुत बढ़िया है हमारी बॉडी के लिए। अगर कफ कोल्ड होकर के हमारी गंदगी निकल गई, फीवर होकर के तपा करके बॉडी के टॉक्सिन्स को निकालना चाहती है नेचर, और जैसे ही मौसम चेंज होता है ये तुरंत आता है गंदगी निकालने के लिए।
तो हम घबरा जाते हैं। तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, पेशेंस से काम लीजिए। अगर आपको कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है तो आप घर में ही 3 दिन में अपनी डाइट कंट्रोल करके अपने आप को ठीक कर सकते हैं। थोड़ा सा बेसिक अपने बॉडी के बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। एक और चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम लोग वैसे तो माता जी की पूजा करते हैं, लेकिन हम अपने आप को भूल जाते हैं, अपनी शक्तियों को भूल जाते हैं। 9 हाथ वाली की अगर हम पूजा कर रहे हैं तो हमारे भी ऐसी शक्तियां होनी चाहिए। ये हमारी शक्तियों को रिमाइंड कराने के लिए ऐसी मूर्ति बनाई गई थी। ऐसा असलियत में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी के 9 हाथ हों, लेकिन हमारे एक एग्जाम्पल देकर बताया था कि हमारे अंदर इतनी शक्तियां हैं कि हम 9 हाथों के बराबर काम कर सकते हैं। शेर की सवारी दिखाई है कि आपकी मेंटल पावर इतनी ज्यादा है कि आप शेर तक को किसी भी चीज को काबू में कर सकते हैं। तो हमें ये प्रतीकात्मक लेडीज को ये बताया था। अब खुद तो डर रही है चूहे से भी और वैसे माता जी की पूजा कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा हमारा हो जाता है, कंफ्लिक्ट हो जाता है कि आप जिसकी पूजा कर रहे हो उसके जैसा तो बनिए। आप इतने स्ट्रोंग बनिए कि आप शेर की सवारी दिखाइए। तो वो स्ट्रोंग बनना है हमें, ना कि वीक बनना है। अपनी शक्तियों को याद करने के लिए ये नवरात्रे आते हैं। अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए फास्ट करिए और अपने आप को स्वस्थ रखिए। 9 दिन तक कोई भी जूस पर नहीं रह सकता है, साथ में कुछ ना कुछ उनको खाने के लिए चाहिए होता है। ऐसे में क्या खाना पीना चाहिए? ऐसे में मैं वही बता रही हूँ कि आप सब्जियां ले सकते हैं दोपहर में, लंच में। समा के चावल थोड़ा सा ठीक होता है, उसमें कैल्शियम भी होता है। तो समा के चावल की पतली सी खिचड़ी बना सकते हैं सारी सब्जियां डाल करके। और सब्जी खूब ले सकते हैं जिनको कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, वो सिंघाड़े के आटे की रोटी बना सकते हैं, घिया की सब्जी से खा लीजिए। आप तरह तरह की तलिए भुनिए मत, उसकी टिक्कियां बनाएंगे, उसको फ्राई करेंगे, तो वो चीज नहीं करनी। अगर आपको ज्यादा भूख लगती है, जिनको जोड़ों में दर्द है, कैल्शियम की प्रॉब्लम है, वो लोग सिंघाड़े की रोटी ले सकते हैं और समा के चावल इसमें बेस्ट होते हैं, तो वो उसकी खिचड़ी बना करके ले सकते हैं। और बाकी फ्रूट जूस, दूध, दही खूब ज्यादा खाइए। भूखे रहने की जरूरत नहीं है, भूखा नहीं रहना, सिर्फ हमें चेंज करना है कि थोड़े टाइम के लिए हमको एक अन्न को छोड़ करके दूसरे अन्न पर जाना है। तो इसका मतलब कि हमें हमारी बॉडी में कुछ चेंज की जरूरत है। जैसे ही मौसम चेंज होता है तो कुछ चेंज करिए अपने बॉडी के साथ। तो यही मेन इसका नवरात्रों का रीजन होता है। अगर उपवास रखते वक्त किसी को बुखार हो जाए या खांसी जुखाम हो तो उसे क्या करना चाहिए? क्या प्राकृतिक चिकित्सा में इसका कोई इलाज है? अगर फीवर हो जाता है इस टाइम में तो नेचुरोपैथी में तो आप हेल्प ले सकते हैं, नेचुरोपैथी में जा सकते हैं। बाकी आप घर में बैठे भी इसे ठीक कर सकते हैं। आप जूस डाइट पे आ जाइए। अगर फीवर हो गया तो एक दिन कुछ मत खाइए सिवाय जूस के। पपीता ले लीजिए, चीकू ले सकते हैं, बाकी कुछ मत लीजिए, सॉल्ट मत लीजिए, आपका अगले दिन फीवर उतर जाएगा। तो कुछ चीजें हैं जो हम सीख सकते हैं कहीं भी अपने नियर बाय नेचुरोपैथी सेंटर में जाकर। अपनी बॉडी की बेसिक्स आप जान सकते हैं, बेसिक को जानना बहुत जरूरी है। अगर हम अपनी बॉडी की नेचर को देखिए, वात पित्त कफ होते हैं, तो किसी की बॉडी में वात ज्यादा होता है, किसी की बॉडी में पित्त ज्यादा होता है, किसी की में कफ ज्यादा होता है। तो ये अपनी नेचर को पहचानना है हमें कि गर्म चीजें सूट करती हैं हमें, ठंडी चीजें सूट करती हैं हमें, गैस्ट्रिक वाली चीजें कम खानी है। तो ये अपनी बॉडी की नेचर को समझना है, फिर उसी के अकॉर्डिंग डाइट लेनी है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी सामने आए वही खाते चले जा रहे हैं। तो अपनी बॉडी के बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है और ये नवरात्रे इसीलिए आते हैं कि हम मेंटली और फिजिकली स्ट्रोंग होकर के निकलें। इसके अलावा किन बातों का खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए? एक तो मौसम चेंज हो रहा है तो ऑक्सीजन लेवल अपना बढ़ा दीजिए, ज्यादा वॉक वगैरह करिए। मौसम इतना अच्छा है, सुबह शाम वॉक करिए और रिलैक्स रहिए ज्यादा से ज्यादा। पूजा पाठ से इसीलिए जोड़ा जाता है कि माइंड रिलैक्स रहे और हमारी इंटरनल पावर्स बढ़ती चली जाए। मेडिटेशन करिए। तो यही चीजें हैं जिनका हम ध्यान रख सकते हैं। थोड़ा सा 9 दिन का, 9 दिन बिना देखो, 6 महीने अगर हमने अन्न खाया है, अगर 9 दिन नहीं खाएंगे तो हम मर नहीं जाएंगे, बल्कि हमारी पावर्स और बढ़ जाएंगी, हमारी बॉडी और ज्यादा लाइट फील करने लगेगी, मेंटली भी हम लाइट हो जाएंगे। तो इन चीजों का हमें ध्यान अगर रखेंगे, एक नारियल का यूज ज्यादा से ज्यादा करिए, नारियल पानी पीजिए, नारियल की मलाई खाइए, तो इन दिनों में ये बहुत जरूरी है। लाइट अगर खाना खाते हैं मौसम चेंज में तो हमारी बॉडी अगले 6 महीने के लिए तैयार हो जाती है। 6 महीने तक हमें कोई बीमारी नहीं आएगी। फिर से नवरात्रे आ जाएंगे, आप फिर से
करिए, अपने आप को रिचार्ज करने के लिए नवरात्रि आते हैं। क्या उपवास के दौरान योग आसन प्राणायाम किया जा सकता है? बिल्कुल नॉर्मल रूटीन में रहिए आप, सारी चीजें क्रियाएं करिए, आसन प्राणायाम मेडिटेशन सब कुछ कर सकते हैं। वीकनेस नहीं आती अन्न छोड़ने से, बल्कि पावर और बढ़ जाती है, बॉडी में हल्कापन फील होने लगता है। तो कई लोगों को मैंने देखा है चाय पी पी कर नवरात्रि करते हैं, और तरह तरह की तलना भुना पूरे दिन किचन में खड़े रहते हैं। तो इस चीज की जरूरत नहीं है, अपने आप को रिलैक्स करिए मेंटली भी और फिजिकली। डॉक्टर सुजाता, आप हमारे साथ जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।